पीपीसी से जुड़ने के बाद पहली बार मैं जब गया तो उनकी परियोजना बिल्कुल प्रारंभिक दौर में थी और उसकी टीम स्थानीय लोगों के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता विकास का कार्य कर रही थी। मुझे भी कुछ समझने का मौका मिला और मुझे महसूस हुआ कि इस संस्था को कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए। उस आज वहाँ पर ये कम्युनिटी रेडियो बहुत सफलता से चल रहा है, लेकिन उसके पीछे पिछले 1-1.5 साल में बहुत मेहनत सभी लोगों की जो उससे जुड़े हुए थे उनकी मेहनत का ये नतीजा है। बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आई और उन दिक्कतों का सामना सभी लोगों ने मिलजुल कर किया। बिजली की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और जो हमारे जिलाधिकारी अब वर्तमान में हैं राघवेंद्र लांगर जी तथा पहले जो जिलाधिकारी रहे हैं जावलकर साहब, इन सब ने भी बहुत सहयोग दिया। जैसे उदाहरण के लिए एक हम लोगों ने वहाँ पर मिलकर उसकी एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर जो विकसित करना था वो प्लेटफॉर्म के लिए मनरेगा में पैसा दिया। उसके अलावा उसकी पहुँच मार्ग जो सड़क से थोड़ा सा ऊपर है वहाँ पर मनरेगा से एक रोड संपर्क मार्ग बनवाया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उससे जुड़ाव रहा, जनप्रतिनिधि भी जुड़े रहे, पूरी टीम पीपीसी की जुड़ी रही और तमाम दिक्कतों के बाद क्योंकि बहुत रिमोट इलाका है, कंस्ट्रक्शन निर्माण करना बड़ा मुश्किल होता है तो बहुत सारे स्थानीय लोगों की भागीदारी उसके बिना ये संभव नहीं था। सभी ने अपने अपने स्तर से बहुत मेहनत की और उसके फलस्वरूप ये मंदा दिस पीपीसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पीपीसी से जुड़ने के बाद मुझे थोड़ा सा ये क्लियर हुआ कि वाकई एक कम्युनिटी रेडियो कैसे, एक कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी की आवाज़ कैसे बन सकता है। मेरी आवाज़ सामुदायिक रेडियो से जुड़ी है, क्या आपकी है?